आज भारत ने चांद पर इतिहास लिख दिया। जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाई थी वो काम भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। ठीक शाम 6:04 पर भारत के चंद्रयान 3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई। ये लम्हा अपने आप में इस कारण भी खास है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी भी देश का सैटेलाइट नहीं पहुंच पाया था। लैंडिंग के दौरान पूरे देश की सांसें थमी हुई नजर आई। बाड़मेर शहर में लोगों ने टीवी स्क्रीन के सामने जमे हुए नजर आए और जो ही सेफ लैंडिंग की खबर आई जश्न का माहौल शुरू हो गया। लोगों ने जहां पटाखे छोड़े तो मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आज भारत ने चांद पर इतिहास लिख दिया। जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाई थी वह काम भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। ठीक शाम 6:04 पर भारत के चंद्रयान 3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई। यह लम्हा अपने आप में इस कारण भी खास है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी भी देश का सैटेलाइट नहीं पहुँच पाया था। लैंडिंग के दौरान पूरे देश की सांसें थमी हुई थी और ज्यों ज्यों लैंडिंग की घड़ियां नजदीक आ रही थी त्यों त्यों देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक सबकी धड़कन तेज हो गई थी। सीमावर्ती बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भी लोग टकटकी लगाकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर विक्रम लैंडर के सेफ लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग की खबरें आई लोग खुशी से उछल पड़े। लोगों ने भारत माता की जय और जय हिंद समेत कई नारे लगाते हुए माहौल को गुंजायमान कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो देश ने कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद जश्न का सिलसिला शुरू हो गया जो देर रात तक चलता रहा। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। युवाओं ने पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। विषय है क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा पहला देश बन गया है जो चांद के साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला देश बना है। और ये मैं पूरी इसरो की टीम को धन्यवाद देती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से आज भारत ने अपना परचम लहराया है और ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि केवल विश्व गुरु नहीं, आने वाले समय में हिंदुस्तान अंतरिक्ष गुरु के रूप में काम करेगा और बाकी सारे देश हिंदुस्तान की लीडरशिप के अंदर अंतरिक्ष के अंदर और भी मिशन को अंजाम देगा। ये क्षण है, ये अपने आप में अद्भुत क्षण है। ये जो तिरंगा, जो कुछ लोग कहते थे तिरंगों को लेकर कुछ तरह की बातें भी करते थे, पर आज हम चांद पर तिरंगा लहरा रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वो काम हुआ है जो अब तक नहीं हुआ। ऐसी जगह पर हम चांद पर पहुंचे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। भारत वहां पर है, जीत गया विज्ञान, जीत गया हिंदुस्तान। निश्चित रूप से हमारे लिए सभी के लिए ये गौरव का क्षण। जो तिरंगा है वो यहाँ पूरे देश में अंतरिक्ष में फैला है, अंतरिक्ष में फहराया गया है। ऐसे मैं भारतीय प्रधानमंत्री हमारे देश के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई और सारे वैज्ञानिकों ने जो जितनी मेहनत की है उन सबको बहुत बहुत बधाई और पूरे हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए, चंद्रयान 3 आ गया है, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अपना सबसे पहले दक्षिण ध्रुव पर गया है तो वहाँ पर सारी भी जो भी चीज़ होगी सबसे पहले अपने को पता चलेगी। आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। सफल आयोजन की क्या पूरी उम्मीद है इस बार? तो सफल आयोजन की पूरी उम्मीद थी क्योंकि पहली जो गलतियां हुई थी उसको सुधार करके उन्होंने वापस उन्होंने अपना सिस्टम बनाया और अच्छी तरीके से लैंडिंग हो भी रही है। लैंडिंग हुआ है, इसको देख के मन बहुत प्रफुल्लित हुआ है और जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने खुशी जाहिर कर रहा है पूरे देश में, वैसी खुशी कभी भी नहीं मिली पता। लेकिन हमारे वैज्ञानिक और हमारे साइंटिस्ट डटे रहे और उन्होंने आखिर तय सफलता हासिल की। आज हिंदुस्तान पूरे को गर्व है इस बात पर। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान भेजने वाला भारत पहला देश है, जबकि चंद्रमा पर सफलतम रॉकेट भेजने के लिहाज से भारत चौथा देश बन गया है। बुधवार शाम को चंद्रयान के चंद्रमा पर उतरने की खुशी से पूरा देश झूमता नजर आया। बाड़मेर में भी भारत और इसरो की इस उपलब्धि पर जश्न का माहौल रहा। बधाइयों का ऐसा सिलसिला चला कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और सोशल मीडिया चंद्रयान की कामयाबी से इतराता नजर आया। हर व्यक्ति खुशी और जोश से लबरेज था और हर भारतीय अपने आप पर गर्व करता नजर आया।